क्योंकि मेरी पहली एल्बम है तो मैं काफ़ी सालों के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ. आई जस्ट होप कि जितना मज़ा मुझे आया एल्बम शूट करने में, गाना सुन के, उतना ही मज़ा आपको आए गाना देखकर और गाना सुनकर, और आप बहुत पसंद करें और शेयर करें और सपोर्ट करें. दैट्स इट. नहीं, एल्बम तो मैंने पहले कभी की नहीं, ये मेरी पहली एल्बम थी. और हमने मुंबई में इसकी शूट की और काफ़ी स्मार्ट लोकेशन पे शूट की कि हमें तीन अलग अलग लोकेशन चाहिए थे और एक ही जगह पर हमने वो सब अरेंज, एज इन हमने लोकेशन ही वही चूज़ की जहाँ पे हमें शिफ्टिंग करके टाइम वेस्ट ना करना पड़े. तो आई थिंक या दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव सो दैट हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता और हम पूरा टाइम यूटिलाइज करें. और आई थिंक अलग मेरे लिए ये इसलिए रहा क्योंकि जैसे मैं मोस्टली हर इंटरव्यू में बोल रही हूँ कि शो में आपके पास एक एक पेज के लाइन्स होते हैं और पाँच पाँच छः छः सात सात आठ आठ बारह बारह मिनट के सीन्स होते हैं जहाँ आप दिखा सकते हो कि ओके दिस इज़ हाउ आई विल एक्ट एंड यू नो अपने आपको अच्छी तरह से आप बता सकते हो कि ऐसे कर सकती हूँ. बट एक एल्बम में आपके पास मुश्किल से 40-45 सेकेंड थे कि आप दिखा सको लोगों को कि हाँ भाई इसमें ये इमोशन आ सकता है और आप 45 या 40 मिनट सेकेंड्स में कैसे कनेक्ट कर सकते हो लोगों से. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी टफ जॉब टू डू कि वो उतने फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में कनेक्ट करना लोगों से और उसमें ही दिखा देना कि ओके आई नो हाउ टू एक्ट. या सो आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे पास ये लाइन नहीं किया तो क्या दूसरी लाइन में दिखा दूंगी आंसू आ जाएगा, वो नहीं था यहाँ पे. यू नो देयर इज नो चांस, यू हैव टू डू इट, मतलब वो 5 सेकंड के अंदर ही करना होगा आपको. इसमें एल्बम की शूट में नहीं, एल्बम की शूट में मुझे आई थिंक कुछ भी ऐसे लगा नहीं मुझे कि बहुत चैलेंजिंग है या फिर कहीं पर मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं था. यू नीड टू कीप दैट पॉजिटिव होप ना विशाल, यू आई कांट बी लाइक अरे मेरे से नहीं हो रहा. बट ऑब्वियसली मैं नर्वस थी लेकिन जैसे फिर गाना चला मैं बहुत खुश हो गई. मैंने कहा वाह यार हर शॉट में गाना चल रहा है वरना शो में तो शॉर्ट में साइलेंस करते हैं और ये लोग खुद ही गाना वाना चला रहे थे. सो वेरी नाइस यार, वेरी बहुत अच्छी तरह से स्मूथली शूटिंग किया. ये दिख रहे हैं मुझे सपोर्ट करते हुए यहाँ पर. सपोर्ट करने आया हूँ जैसे हमेशा करता हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जन्नत का फर्स्ट एल्बम लॉन्च होने जा रहा है और उसी के स्क्रीनिंग के लिए हम लोग आए हैं. और यस मैं भी काफ़ी टाइम कह चुका हूँ ये बात कि जन्नत रॉक कर देगी जैसे हमेशा करती है. लोगों का प्यार मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा. और यस आई जस्ट वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड कंग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट एल्बम एंड गुड विशेस. थैंक यू. हमारे क्या 4-5-6 चैनल हैं, एक मेरे हाथ में आता है.